हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं अभी हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके ही YouTube चैनल SSC क्लासेस में। तो हाँ माय डियर, आज मैं फिर से आप लोगों को इंग्लिश स्पोकन का नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज है माय डियर, कुछ महत्वपूर्ण यूजेस है जो हमें डेली यूज करना है। डेली हम उस वर्ड का यूज करते हैं बोलने में, तो आज मैं वही वर्ड वही यूज आप लोगों के बीच प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, और जो बहुत ही ज्यादा क्या माइडिया इंटरेस्टेड है। चलिए हम लोग देखते हैं, तो हम लोग आज यूजेस कौन सा है, आज हम लोग का जो यूजेस है मेरे प्यारे, वह आज हम लोग पढ़ने वाले वांट्स टू एंड वांट टू के बारे में। आज हम लोग वांट्स टू और वांट टू का यूज कब, कहां और कैसे करते हैं, और हाँ इसके आधार पर हम सेंटेंस किस प्रकार का फ्रेम करेंगे और किस प्रकार से हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, ये भी इसके अंतर्गत इस वीडियोस के अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं। और इसके अंतर्गत 100% की गारंटी है कुछ ना कुछ आपके अंदर इंग्लिश का इंप्रूवमेंट जरूर होगा। कैसे, चलिए मेरे प्यारे याद करते हैं आज और पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि याद रखिएगा जो वांट्स टू है यह कब यूज होगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वांट टू का केवल यूज होगा। सिंगुलर क्या है, प्लूरल कौन कौन से सब्जेक्ट है, टेंस में भी आपको कुछ यूजेस में भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले आइए सीखते हैं कि सर इसकी मीनिंग, इसकी हिंदी क्या निकलेगी। इसकी हिंदी निकलेगी मेरे प्यारे चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, कुछ इस प्रकार के वर्ड आपको मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, जो सेंटेंस हिंदी का होगा उसके अंत में, जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसके लास्ट में मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, वह दौड़ना चाहता, हाँ मेरे प्यारे दोस्त इसी टाइप का कुछ सेंटेंसेस हमारे बीच आएंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपको याद है जिसे आपके टीचर साहब से पूछ लिए तो आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, आप बताओगे ना कि मैं जीवन में पढ़ना चाहता हूँ, सक्सेस होना चाहता हूँ, देखो कितना चाहता आ रहा है। तो हम वहां पर कैसे यूज करेंगे भाई, वहां पर ही हम यूज करेंगे वांट टू एंड वांट्स टू, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ आंसर देने का, कुछ क्वेश्चन पूछने का सेंटेंस होगा, आंसर में हाँ या ना में देने का भी कुछ हमारा क्वेश्चन होगा, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो जब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाओगे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट नाउ हैव टू यूज आप वांट्स टू एंड वांट टू, ठीक। उसके जस्ट तुरंत बाद आपका वर्ब का आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस आपका अदर वर्ड्स, इट्स अ क्रिएट और स्ट्रक्चर्स ऑल गाइस, ये आपका स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हुआ, क्रिएट हुआ। अब इसी के आधार पे हम लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना माय डियर। जैसे आइए पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैंने बोला कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या होगा। अब देखिएगा, मैं की इंग्लिश होती आई, प्लूरल में आता है, तो इसके लिए इसके साथ हम केवल लगाएंगे वांट टू, आई वांट टू, उसके बाद आप वर्ब लगा दीजिए, और यह सेंटेंसेस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसे ही जैसे कि हम वांट टू कब लगाएं, जैसे मैंने कहा कि वह है स्कूल में गाना गाना चाहती है, वह स्कूल में गाना गाना चाहती है। अब देखो आ गया, अब यहाँ पर वह जो वर्ड है ये सिंगुलर है, चाहती है लड़की है, क्या हो जाएगा सी वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल, ठीक है ना माय प्यारे।
तो ऐसे ही क्या होगा, आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आइए एक दो एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वे लोग कबड्डी खेलना चाहते हैं, वे लोग कबड्डी खेलना चाहते हैं। अब क्या होगा इसकी मीनिंग, तो क्या होगा माय डियर्स, याद रखिएगा, लिख दीजिएगा, दे पीपल वांट टू प्ले द कबड्डी। तो इसी टाइप्स में हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, बस ऐसे जैसे मैंने बोला, और भी फ्रेम कर सकते हैं। मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो स्कूल। मैं स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड इन द स्कूल। मैं बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, यही जो मैंने बताया यही होगा, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। वह दौड़ना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू रन। वो अंग्रेजी बोलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मत हिला, ठीक ना। चलिए तो आइए हम लोग सेकेंड नंबर पे देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या देख लेते हैं, नेगेटिव का किस टाइप का स्ट्रक्चर्स बनेगा। आइए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का भी अध्ययन इसी में कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव टाइप्स का, ठीक है ना। नेगेटिव क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका हो जाएगा डोंट या डजंट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब इसमें वांट टू में यस या यस हम नहीं लगाएंगे, केवल वांट टू कर देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ये आपका नेगेटिव टाइप से स्ट्रक्चर होगा। आइए दो एग्जांपल इस पे भी हम लोग सीखते हैं। जैसे मैंने कहा तुम लिखना नहीं चाहते हो। अब मैंने बोला तुम लिखना नहीं चाहते हो, अब इसमें देखिएगा तुम लिखना नहीं चाहते, कितना आसान है मेरे, ठीक ना मेरे प्यारे। चलिए जैसे कह रहा है तुम लिखना नहीं चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ लगेगा डोंट, यू डोंट वांट टू राइट, तुम लिखना नहीं चाहते हो। जैसे मैं और कहा कि वह लड़की डांस नहीं करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी गर्ल डज नॉट यानी डजंट वांट टू डांस। हाँ मेरे प्यारे, आप इसी तरीके से आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं सेंटेंस का, कि मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू रीड। मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता, आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश। किसान खेत नहीं जोतना चाहता, द फार्मर डजंट वांट टू प्लाउ द फील्ड। ओके, मैं वीडियोस नहीं बनाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू मेक द वीडियोस। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो स्कूल। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसी टाइप्स का आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करना है, और जब प्रैक्टिस करेंगे 100% गारंटी आप लोगों को कि आप लोग कुछ ही समय में इंग्लिश का इंप्रूवमेंट जरूर करेंगे, और बेहतरीन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इंग्लिश का, ठीक ना गाइस। तो मैं आपसे फिर से मिलूंगा अगले पार्ट में, इतिहास के लिए काफी है। धन्यवाद ऑल माय डियर्स, ठीक ना, फिर से मैं अगले पार्ट्स में आप लोगों से मिलूंगा।